तुम्हें तोहर बेटा ये वादा करता रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए एक माँ के आंख में आंसू ना आवे देव हम वादा करता नहीं वादा करता नहीं हम मर जाएंगे लेकिन छूटेंगे नहीं वादा करते हैं। अरे आज मेरी माँ के आंखों में आंसू है ना मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस दिन जेल से निकलूंगा ना मैं लाखों माँ के आंखों के आंसू को पोछूंगा। झुकाने का प्रयास करेगा लेकिन फौजी का बेटा हूँ मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस पर ये महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ। कोर्ट में आता हूँ चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए हम नहीं डरेंगे काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे। हाँ हम चारा चोर के बेटा नहीं है। हम नहीं डरेंगे वादा कर उन लोगों पर बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है। बिहार के जेल में डाले आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया। एगो इंजीनियर दब के मर गया। एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी गोदा था उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव यादव की बात करते हैं ना एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। चाहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं। नीलेश मुखिया को मार दिया गया है। यहाँ पे मजदूरों को मारा गया है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं। सरकार देखता है फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 मजदूर फिर से मार खाया है। मजदूर मार खाया। एम के स्टालिन का बेटवा है ना उदय निधि स्टालिन ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है। एनएसए में काय नहीं डाला जा रहा है। हमको जो है गजेरी के बीच में भंगेरी के बीच में नशेरी के बीच में बैठा देता है लोग और मुंह पे गाजा पी के फूक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब पहुंचवाता है लोग। अभी आप लोग मेरा तो फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लेकिन फौजी का बेटा हूँ मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। वादा करता हूँ और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाया जाता है। ये तो बेचारा ईमानदार आदमी है। जितना कांस्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग। इसमें सब बेचारा युवा है लोग। युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है और उन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता। चलाइए बिहार में बदलिए बिहार को। यहाँ पे हर माँ परेशान है हर बाप परेशान है हर आदमी परेशान है। बता दीजिए बिहार बदलिए लोग बिहार को बदलिए। ये देखिए ये टूटा फूटा गाड़ी जो है बंद हो जाता है रास्ते में धक्का लगाना पड़ता है। इस गाड़ी में जो है 60 को कैदी को बंद ठूस ठूस के भेजा जाता है और हाजत जाके चेक करवाइए लोग आप लोग हाजत। मेरे ऊपर ये को नहीं 10 को FIR कर दे लोग। हम नहीं डरेंगे काहे कि हम फौजी के बेटा है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े वो नहीं डरे। मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है वो नहीं डरा है। तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है। इस बार इन लोगों को गर्म पानी से भेंट पड़ा है। चलाइए दिखाइए। और मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से इन लोग FIR करेंगे। मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे। जाके हाजत का स्थिति देखिए लोग आप लोग देखिए लोग। फिर से तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया क्या कहिएगा। अरे बिहार के अंदर मजदूरों को मारा गया है। बिहार के मजदूर मार खाते हैं। सरकार देखता है फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 मजदूर फिर से मार खाया है। मजदूर मार खाया तो पूछे किसी का हाथ टूटा है किसी का पैर टूटा है। मेरे ऊपर FIR करेगा सभी सब। आई एम के स्टालिन का बेटवा है ना उदय निधि स्टालिन ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है। एनएसए में काय नहीं डाला जा रहा है। भैया एक सवाल है भैया एक भी है। हम इतना दिन से चुप ना आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया। एगो इंजीनियर दब के मर गया। एगो यादव जी दब के मर गए। समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा था उनको मार दिया गया। तेजस्वी यादव यादव की बात करते हैं ना एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में। काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं। नीलेश मुखिया को मार दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। देखिए हम स्पेशल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप मजदूरों के लिए लड़े तो आपके एनएसए लग गया तमिलनाडु के अंदर। एनएसए से डालने वाला है मजदूरों को मारा है तमिलनाडु में। क्या बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं। हम चारा चोर के बेटा नहीं है। हम नहीं डरेंगे वादा कर उन लोगों पर बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं। उनके ऊपर भी होना चाहिए। बिहार पुलिस को हिम्मत है
पकड़ के लिया है जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले डाले। ये लोग मेरे खाए रहे क्या? मैं 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ, कोर्ट में आता हूँ चुपचाप जाता हूँ चुपचाप जाता हूँ। आज परेशान कर दिए, क्यों आज इतना नाराजगी, क्यों इतना गुस्सा में है भैया? मैं नशा के विरोध अभियान चलाता हूँ, आप लोग देखते हैं। और हाजत में ये लोग स्मैक, गांजा, सिगरेट सब पहुँचवाते हैं, सब सब जितना स्टार वाला है सब, कांस्टेबल नहीं, लोग तो ईमानदार है, स्टार वाला पहुंचवाता है सब, पहुंचवाता है सब, और वहाँ पे गांजा पी के सिगरेट पी के मुंह पे फूंक देता है सब। बताइए हम दवा खड़ा करेंगे हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर दवा खड़ा करेंगे हम। ये चीज है, एक आदमी को जो तीन तीन आदमी को जो है दूसरों को पुलिस, तीन तीन को पुलिस लेके आता है, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रहता है यहाँ पे। बताइए ये सच्चाई है। देखिए नीतीश कुमार जी, देखिए आप पत्रकार के स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, एक स्वतंत्र पत्रकार स्वतंत्र तरीके से आवाज उठा रहा है कि हाजत में चेक कराइए, गांजा से लेकर स्मैक तक आता है, सब स्मैक आता है। 2 ग्राम स्मैक आ जाएगा तो 1 साल तक का सजा हो जाता है, अंदर जेल में आदमी चला जाता है। और हाजत में 20-30 ग्राम 25-30 ग्राम स्मैक आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलने की भी आजादी नहीं है पत्रकार को, पत्रकार तो बिहार के खुद डरे हुए हैं, बड़े बड़े पत्रकार तो बोलने के डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, बड़ा बड़ा पत्रकार तमिलनाडु। एक सवाल का जवाब देते जाइए, जहाँ पे नशा जा रहा है वहाँ पे हथियार भी तो जा सकता है, वहाँ पे हथियार जा सकता है, दम बिल्कुल जा सकता है। इस बीच में कैसे अपने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में, कौन सुरक्षित है? दरोगा को मार दिया जा रहा है, ठेकेदार को मार दिया जा रहा है, पत्रकार को मार दिया जा रहा है, ये टीचर को मार दिया जा रहा है, किसको नहीं मारा जा रहा है? कौन सुरक्षित है बिहार में, कौन सुरक्षित है? और देश के राष्ट्रपति जी से मैं विनती करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती करना चाहता हूँ कि मेरा केस जो है बिहार और तमिलनाडु दोनों राज्य से अलग राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए, किसी भी राज्य में हम लड़ लेंगे, यहाँ पे हमको इंसाफ का इंसाफ नहीं मिलेगा। और मेरा केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, मैंने कहीं गलत नहीं बोला, बिहार के मजदूर मार खाते थे, अभी भी खाते हैं। जहानाबाद उसका उदाहरण है, जहानाबाद उदाहरण है उसका, अभी 6 मजदूरों को ये नशा मुक्त करेंगे, शराब बंद करने के चक्कर में पूरा बिहार में स्मैकी बना दिए पूरा युवा को, जाके देखिए पूरा युवा स्मैक के चक्कर में मर रहा है, सब मर रहा है। हम जज साहब को भी ये बात कहेंगे, ये सारा शिकायत करेंगे हम जज साहब को पूरा। और आप लोग जो है दिखाइए, हाजत चेक करवाइए, सिर्फ हाजत चेक करवाइए, फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, उसमें जो है आपको दुनिया का हर प्रकार का नशा मिल जाएगा उसके अंदर, फॉरेंसिक जांच करवाइए। एक और चीज मैं बोल देना चाहता हूँ फिर से, जितना कॉन्स्टेबल है लोग जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा है, सब ईमानदार है लोग, सब ईमानदार, और हर बार जो है ना बलि का मतलब उन्हें बनाया जाता है, वो लोग सही है। बड़े बड़े अधिकारी के रहते हुए छोटे आदमी थोड़ी पहुंचवा देंगे।